आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज डायग्राम शोइंग द डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सेल एक्स एंड वाई, विच ग्रुप ऑफ हॉर्मोन इंटरैक्ट विद वाई। देखो क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे हमें डायग्राम में एक्स एंड वाई गिवन है, जो कि हमें रिसेप्टर्स को बता रहे हैं। हमें बताना है कि इसमें से वाई कौन सा रिसेप्टर है। देखो हम देख रहे हैं कि जो एक्स है दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो हॉर्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके लिए रिसेप्टर सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और उन्हें कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है। प्रोटीन नेचर हॉर्मोन के लिए रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? सेल सरफेस पर। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस, ठीक है। सेल सरफेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट है और जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंड इट्स कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इन्हें कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बिकॉज प्रोटीन नेचर हॉर्मोन कैन नॉट एंटर इनटू द सेल एंड देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर टू ट्रांसफर द सिग्नल ऑफ प्रोटीन नेचर हॉर्मोन। अगर हम इन हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल्स देखें तो देखिए एग्जाम्पल्स, पेप्टाइड हॉर्मोन्स जैसे कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, ग्रोथ हॉर्मोन GH, इंसुलिन हॉर्मोन एंड ग्लूकागोन एंड सो मैनी अदर हॉर्मोन, जो कि कैसे नेचर के होते हैं, ठीक है, प्रोटीन नेचर के हॉर्मोन्स होते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें वाई, तो वाई है विद इन द सेल और ये है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली स्टीरोइड नेचर के हॉर्मोन्स के लिए। स्टीरोइड नेचर के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके लिए रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर प्रेजेंट विद इन द सेल, जैसे कि हम बात करें एस्ट्रोजन हॉर्मोन हुआ फीमेल में, ठीक है, फीमेल में एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल हॉर्मोन है। मेल में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन। तो ये कैसे नेचर के हॉर्मोन होते हैं? स्टीरोइड नेचर के, जिनके लिए रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें वाई के बारे में बताना है, तो देखो वाई क्या है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो हमें उन हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल बताने हैं जो कि स्टीरोइड नेचर के हैं या जिनके लिए रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं। अब देखो ऑप्शन वन में गिवन है थायरोक्सिन। तो देखो थायरोक्सिन जो हॉर्मोन है दैट इज रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड एंड इसके लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं, सो इट कैन डायरेक्टली एंटर इनटू द सेल, ठीक है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं थायरोक्सिन के लिए। और एस्ट्रोजन, अभी हमने देखा है कि एस्ट्रोजन जो है वो स्टीरोइड नेचर का है और इसके लिए रिसेप्टर इंट्रासेलुलर है, तो ऑप्शन वन यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट। ऑप्शन टू में थायरोक्सिन, तो देखो थायरोक्सिन के लिए तो इंट्रासेलुलर है बट FSH अभी हमने देखा था इसके लिए रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? सेल सरफेस पर, तो ऑप्शन टू इनकरेक्ट। ऑप्शन थ्री में है FSH एंड एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन के लिए इंट्रासेलुलर है बट FSH के लिए सेल सरफेस पर। ऑप्शन फोर में FSH और LH, तो इनके लिए रिसेप्टर सेल सरफेस पर। सो हियर ओनली ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।